बस रिकॉर्डिंग ऑन हो दिस जाए कॉल तो। इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट कक्षा में हम डिस्कस कर रहे थे कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो आप सबको पता है संख्या क्या होती है, जिन्हें हम गिनती में उपयोग करते हैं, जो हमारे गणित में काम आती है, गणित को सॉल्व करने के लिए काम आती है। ये सारी क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। संख्या पद्धति का क्या मतलब होता है? संख्या को हम विभिन्न प्रकारों में क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, भागित कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो हम उससे ही किस में पढ़ते हैं? उसको हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं कि नंबर को कितनी तरह से क्या करा जा सकता है, भागित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। इसको हम किस में पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चा, अब बच्चा कोई भी बच्चा नया तो है नहीं, अगर नया है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, ये तीन डॉट बनी है ना, इस पे दबाओगे तो पहला ऑप्शन किसका आता है? मैसेज का आता है। और नीचे किसका आता है? एक्टिविटी का। इस पे जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलता है? पोल मिलता है, जहां से आप इसे दबाओगे तो ABCD आपको दिखेगा, जो सही हो आप यहाँ से वोट करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था बच्चा? प्राकृतिक संख्या पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? वो संख्याएं जो कि किसी वस्तु के गिनने में काम आती है। ठीक है, या हम कहते हैं इन संख्याओं को गिनती वाली संख्या, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है वो प्राकृतिक संख्या ही होगी। चाहे हम यहाँ पर 10 लाख लिख लें, ठीक है, चाहे यहाँ पर हम इतना बड़ा नंबर लिख लें कि जिसको हमें पता ही नहीं वो कितना है, ठीक है, 10-15 डिजिट का लिख लें, नहीं इतना बड़ा नंबर लिख ले, तब भी वो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। एक से शुरू होकर संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे हम क्या कहते हैं? अनंत तक कहते हैं। ये सारी क्या कहलाती है बच्चे? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो कभी भी सम्मिलित नहीं होता। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चा, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, जीरो इनमें सम्मिलित नहीं होता। ठीक है बच्चा, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। दूसरा हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था बच्चा, हाँ आज हम पूर्णांक पढ़ेंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्या पढ़ा था। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है बच्चा? कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या सबको पता है जो गिनती के लिए यूज करते हैं, में जीरो जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के उसमें जो आपका क्या है, यहाँ पर जो कलेक्शन है, संग्रह है, उसमें हम क्या कर देते हैं? जीरो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चा? एक नया संग्रह बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या बच्चा जीरो से शुरू होती है और ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, हम बस आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं कि आपका क्या होता है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया सबको? पूर्ण संख्या यस हम मैम। और, ओके बच्चा, प्राकृतिक संख्या हम पहले पढ़ चुके थे, बस दोनों में क्या अंतर होता है याद रखना है आपको। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है और यहाँ पर पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उसमें जीरो होता है। ओके, और बाकी संख्याएं दोनों में सेम रहती है। एक इसमें भी आएगा, एक इसमें भी आएगा, दो इसमें भी आएगा, दो इसमें भी आएगा। बस एक ही अंतर रहता है कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है। ठीक है बच्चा, अब कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा बच्चा, किसी को माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। अब हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम आज का नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि क्या है? इंटीजर्स या फिर पूर्णांक कहते हैं हम जिसे। चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या कहा गया है कि पहली, पहली का मतलब समझते हो? जहां से शुरू होती है संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं बतानी है आपको जो कि सम है। पहली पांच, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे बच्चा, पहली पांच सम पूर्ण संख्या बतानी है। ठीक है, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो सम भी हो। हमको सम संख्याएं भी पता है, हमको पूर्ण संख्याएं भी पता है, हमको पहली का मतलब भी पता है। तो आप देख के सोच समझ के क्या करेंगे? आंसर देंगे, सही ही आंसर देना है आप सबको बच्चों। चलो, अब पोल लॉन्च हो गया है, आप लोग जल्दी से जाके एक्टिविटी सेक्शन में अपना आंसर दे देंगे। चलो बच्चे, जल्दी करेंगे,
ध्यान से पढ़ेंगे, हमें कौन सी संख्याएं चाहिए? पूर्ण संख्याएं चाहिए। कैसी पूर्ण संख्याएं चाहिए? जो सम हो और शुरू से हो, स्टार्टिंग से हो, जहां से पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं वहां से हो। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखेंगे, सही करेंगे। वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे आंसर कर भी रहे हैं, सही भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी आंसर करना है बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, आप लोग सही आंसर कर रहे हो। थोड़ा सा सोचेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको सोच समझ के करते हैं। मिला। आपको माइक ऑन नहीं करना है सिया बेटा, पहली बात आपको बोलना नहीं है। अभी मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप माइक ऑन करके कभी भी आंसर नहीं बोलेंगे। जी अच्छा, कितनी नहीं बोलना है ना आपको। देर है। चलो बच्चे, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से जाके आंसर दे देंगे कि इसका सही आंसर क्या है। बच्चा अगर कोई गलती से आंसर बोल भी देता है तो जरूरी नहीं है वो करेक्ट है। आपको सोच समझ के ही अपना आंसर देना है, दूसरे को बाय नहीं देखना। ओके बच्चे, दे दिया। हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आ जाए तो हम आपको इसका सोल्यूशन बता देंगे। बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से करेंगे। बच्चा जिन्होंने भी अपना रिस्पांस नहीं दिया है वो जाके पोल में आंसर देंगे। मेरे पास सबको नंबर आते हैं बच्चा, आप कहोगे तो मैं किसी दिन क्लास में सीट भी ला के बता सकती हूँ कि आप लोग आंसर नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अच्छा लगेगा मैं क्लास में आपको टोकूंगी कि आप लोग पोल में रिस्पॉन्स नहीं करते। इस वजह से आपको पहले दो से तीन चार पांच छह बच्चा, इससे क्या हो जाएगा? आप आंसर बता भी दोगे, जरूरी थोड़ी ना वो करेक्ट है। और आप काउंटिंग क्यों कर रहे हो, गिनती क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे? ठीक है, चलो मैं 5 सेकंड और देती हूँ, आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2। एक नो बच्चा, आपको नहीं बोलना है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था क्लास के स्टार्टिंग में कि आप सिर्फ तभी बोलोगे जब आपको कोई डाउट हो, वरना आपको अपना माइक म्यूट ही रखना है। आपको बस मैसेज करना है कमेंट सेक्शन में। चलो, जिसने आंसर नहीं दिया है वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाली पूर्ण संख्या होती है। लेकिन हमें सिर्फ पूर्ण संख्या नहीं चाहिए थी, हमें कैसी पूर्ण संख्या चाहिए थी? सम। तो सम क्या होता है? जिनके अंत में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। ठीक है, हाँ बच्चा, आपको एक ही बार आंसर लिखना है। तो क्या हो जाएंगी? सम पूर्ण संख्या है। हमें कहाँ से चाहिए? पहली से चाहिए। पहली का मतलब है शुरू से चाहिए। तो शुरू कहाँ से होता है? 0 से। तो 0, 2, क्योंकि एक तो विषम संख्या है, इसको तो लेंगे नहीं। फिर क्या आ जाएगा? 2, 3 भी विषम संख्या है, इसको भी हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? 4, 5 भी विषम संख्या है, इसको भी हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? 6, 7 भी विषम संख्या है, इसको भी हटा दूंगी। तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो पहली 5 सम पूर्ण संख्याएं कौन सी हुई? 0, 2, 4, 6, 8। बच्चे जिस जिसने गलत किया था, समझ में आया आपका आंसर क्यों गलत है? क्योंकि हमें कहाँ से लेना था? एक तो हमें पूर्ण संख्याएं लेनी थी। देखो इसमें 0 ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी पूर्ण संख्याएं नहीं हुई, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी 0 नहीं है, इसमें देखो विषम संख्याएं भी आ रही हैं, तो हमें तो सम संख्याएं चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखो माइनस में आ रहा, माइनस में तो हमने आपको पढ़ाया नहीं पूर्ण संख्याओं में, और आपका जो प्राकृतिक संख्या है तो नहीं। ओके, 1 सेकेंड। सर आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी मुझे कुछ कह रहा था। कौन बोला था ये? मुझे डाउट है। विकास एक्चुअली मुझे कुछ कह रहा था। हमें एक्चुअली दीपिका, मैंने काफी बच्चों के मेरे पास क्वेरी आई थी। वो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें पोल में आंसर करना नहीं आता है, तो अगर आप एक बार है ना इन्हें पोल में आंसर करना बता दें तो ये कर पाएंगे। तो मुझसे काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हमें आता नहीं आंसर, तो इसलिए हम कर नहीं पाते। एक बार आप आपके पास कोई पीपीटी हो इस तरह की हाँ, या मैंने फिर अभी कोई बताया बताओ भी स्टार्टिंग में, सर मैं रोज ही स्टार्टिंग में फिर। बताती हूँ उन्हें। अच्छा तो बेटा फिर तो कर दिया करो ना, क्यों इतनी शिकायतें करते हो? मतलब मैम बता रही है फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं आता आपसे, तो ठीक है कर लीजिए। बस मेरा कोई डाउट नहीं था, यही डाउट था इनका क्लियर करा था। ठीक है थैंक यू। नहीं, सर। ओके बच्चा, आपको कैमरा ऑफ करना है, अपना कैमरा ऑफ करो। चलिए, तो हम कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 0, 2, 4, 6, 8। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा।
चलिए फिर आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या देखा बच्चा, हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं जो थी वो एक से शुरू हो रही थी, ठीक है। और जब हमने क्या किया, जब हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा तो वो कहां से हो रहे थे, उसमें हमने जीरो भी जोड़ दिया था। नहीं बच्चा पढ़ो, क्लास क्यों छोड़ के जाना है, ठीक है। तो जीरो भी ऐड हो रहा था और एक से लेकर बाकी तो थी ही, ठीक है। चलो आगे अगर हम देखें तो प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्णांक संख्याओं में हमने कोई भी ऐसी संख्या नहीं ली है जिसमें माइनस आ रहा हो, ठीक। तो ये किसमें आता है, ठीक। और इन संख्याओं को हम कहते क्या है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। अगर हम सिर्फ संख्याओं की बात करें बच्चा, तो आपने संख्याओं में देखा होगा बहुत सारी संख्याएं इस तरह से लिखी रहती हैं और बहुत सारी संख्याएं आपने इस तरह से भी लिखी हुई देखी होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे संख्याएं कितनी तरह की होती है। तो संख्या बच्चा दो तरह से लिखी जाती है। पहला आपका क्या है, पहला आपका है धनात्मक संख्याएं और दूसरा आपका है ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है। चलो जैसे अगर हम देखें कि जीरो सबको पता है, ठीक। और अगर हम जीरो से आगे बढ़े तो आपका क्या आता है, एक आता है, दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पांच आता है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, ये जीरो से बड़ी होती है, ओके। तो जो आपकी धनात्मक संख्याएं होती है बच्चा, वो क्या होती है, वो संख्याएं होती हैं जो जीरो से बड़ी होती हैं या फिर जीरो से अधिक होती है। इसका हम एक उदाहरण भी लेंगे। मान लो आपके पास दो चॉकलेट है या टॉफी है, ठीक है, और आपके पास तीन है, या कह लो आपके पास दो है और आपके पास तीन है, ठीक है। ये आपका भाई है, उसके पास तीन है, ठीक है। तो किसके पास ज्यादा होंगे, जैसे आप मुझे आंसर दो कि आपके पास दो चॉकलेट है और आपके पास आपके भाई के पास तीन है, तो किसके पास ज्यादा होगी। भाई के पास, बच्चे ये सब आपको नहीं करना है, एमोजीज नहीं भेजना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही भेजना है, ठीक है। ठीक है, सबको पता है ये वाली बात कि तीन जो है वो दो से ज्यादा होता है, ठीक है। ये वाली बात तो सबको ही पता है कि तीन जो है वो दो से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कह सकते कि जो एक है वो क्या होगा, वो जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है। जो दो है वो जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर तीन की भी बात करें तो वो भी जीरो से ज्यादा होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सारी की सारी जो धनात्मक संख्याएं होती है बच्चा, वो जीरो से ज्यादा होती है, ठीक है। धनात्मक संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चा, आपको माइक ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है जब तक आपको कोई डाउट नहीं है या आपको कहा ना जाए। बच्चे ये क्या हो रहा है, दीपिका मैं आपके पास एक मिनट लेना चाहूंगा। देखिए बच्चों, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मालूम है आपकी हर एक्टिविटी और आपके नाम एसआरएन नंबर सब डिटेल है हमारे पास। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कहते हैं जो भी आप ये कब कर रहे हैं, ये हमारे पास नहीं पता चल रहा है हमें, और हमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। आपकी हर एक चीज मुझे पता है यतिन। हाँ बेटा यतिन क्या कर रहे हैं आप, क्यों इमोजी भेज रहे हैं आप। देखिए आप ऐसा करेंगे तो बाकी क्लास डिस्टर्ब होगी ना आपसे, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना फिर। और अगर आप माइक खोलेंगे बार बार, ये खटखट की आवाज आ रही थी अभी, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है उससे, थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए आप एकदम बहुत अच्छे स्कूल से हैं, खरगोदा से हैं यहाँ पर, और बड़ौदा स्कूल से, जो कि बहुत अच्छे स्कूल हैं सोनीपत के। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो बताइए आपकी शिकायत मैम से कर जाएगी, मैम कितनी आपने खराब लगेगा कि हमारे स्कूल के बच्चे इतने अच्छे, और आप बताइए आप अब दीपिका जी के हैं, मैम पढ़ा रही हैं आपको, अब ये शिकायत करेंगी, मैं शिकायत करूँगा, तो अच्छा लगेगा क्या आपको, बताइए। तो नहीं ना, तो इसलिए अच्छे बच्चों की तरह पढ़िए और जो मैडम पढ़ा रही है ना समझिए।
आप उधम मचाने तो आए नहीं है, यहाँ पर आप पढ़ने आए ना, कुछ सीखने आए हैं। जो भी आप पढ़ेंगे सीखेंगे वो आपको फायदे की चीज़ है ना भाई, हमारा फायदा क्या, आप नहीं आएंगे तब भी हम पढ़ाएंगे, है ना। तो आप इसे पढ़िए अच्छे से, लीजिए इसको अच्छे से, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। कोई आपको बेसिक नहीं पढ़ाएगा, समझे ना, कोई बेसिक पढ़ाएगा आपको अभी कोई फर्स्ट क्लास का, और आपको पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं नाइन्थ क्लास में आ गया और मुझे बेसिक पढ़ाया जा रहा है। तो आपको तो मौका मिल रहा है इतना अच्छा, तो उस मौके का इस्तेमाल करिए। और जो आपके दोस्त क्लास में नहीं आ रहे हैं ना, उनको भी जोड़िए क्लास से, ठीक है। तो आप भी कोई हरकत मत करिएगा ऐसी, है ना, कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलिए, कोई बात है, बस नेक्स्ट टाइम ये मत करिएगा, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप तो अच्छे बच्चे हैं ना, चलिए अब नेक्स्ट टाइम से मत करिएगा, ठीक है दीपिका, थैंक यू। ठीक है बच्चा, चलो आगे बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे कि जो आपकी धनात्मक संख्याएं होती है बच्चा, वो क्या होती है, जीरो से अधिक होती है, जीरो से ज्यादा होती है। जैसे हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5 जो भी धनात्मक संख्याएं हैं वो क्या है, वो जीरो से ज्यादा है। तो आप ऐसे इसे कैसे परिभाषित करेंगे कि धनात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जीरो से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चा, कभी कभी आपने क्या देखा होगा कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, आप चिन्ह के साथ उसे लिख सकते हो, ठीक है, और आप इन्हें बिना चिन्ह के भी लिख सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो धनात्मक संख्याएं हैं वो कैसे प्रदर्शित करी जा सकती हैं, कैसे लिखी जा सकती हैं, तो वो दो तरीके से लिखी जा सकती हैं। या तो हम इनके सामने क्या लगाएं, इनके सामने धन का चिन्ह लगाएं, प्लस का चिन्ह लगाएं, और या तो हम इनके सामने कोई भी चिन्ह ना लगाएं, ठीक है, तब भी दोनों संख्याएं क्या ही कही जाएंगी, धनात्मक संख्या कही जाएंगी, ठीक है। तो आपने जनरली बच्चा क्या देखा होगा कि जब हम संख्याएं लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, आपने नॉर्मली देखा है ना, ये वाली संख्याएं आप लिखते हो, तो ये संख्याएं क्या दर्शाती हैं, ये संख्याएं आपकी धनात्मक संख्याएं दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो धनात्मक संख्याएं आप इस तरह से भी लिख सकते हो और धनात्मक संख्याएं आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चा कि जब तक किसी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तब तक वो संख्या आपकी निगेटिव या फिर ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो हमेशा कैसी ही रहेगी, हमेशा धनात्मक रहेगी, चाहे उसके साथ चिन्ह हो या फिर ना हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आया बच्चा, धनात्मक जो संख्या है वो समझ आई क्या होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताओगे आप, जल्दी से बच्चे बताएंगे कि धनात्मक संख्याएं समझ आए, नहीं आए होगी पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो। ओके बच्चे, अच्छा बच्चा नहीं आए, अभी मैंने आपको बताया कि धनात्मक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो जीरो से बड़ी होती है, जीरो से अधिक होती है। इन्हें दर्शाया कैसे जाता है, इन्हें हम या तो बिना किसी चिन्ह के दर्शा सकते हैं या फिर हम इनके साथ प्लस का चिन्ह लगा के दर्शा सकते हैं, दोनों ही आपकी क्या कहलाएंगी, दोनों ही आपकी धनात्मक संख्या कहलाएंगे। ओके बच्चा, छोटे में आप ऐसे समझ सकते हो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा है, 15 लिखा है, ठीक है, इसके साथ में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तब भी ये क्या हो जाएगा, तब भी ये आपका एक धनात्मक संख्या होगी। दूसरा आप देखो यहाँ पर चिन्ह लगा है, किसका, धन का चिन्ह लगा है, तो अब सामने चिन्ह लगा है तो हम और कुछ कह ही नहीं सकते ना, तब तो ये धनात्मक ही होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्या है, 30 लिखा हुआ है, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन अगर बेटा कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो हम किसकी मानते हैं, इसे धन की मानते हैं, ठीक है। तो चाहे धन का चिन्ह लगा हो या फिर किस कोई भी चिन्ह ना हो, ठीक है, या तो कोई चिन्ह ना हो या धन का चिन्ह हो, तो हम उस संख्या को क्या कहते हैं बेटा, उस संख्या को हम धनात्मक संख्या ही कहते हैं। ओके चल आगे बढ़ेंगे बच्चे, अब हम देखेंगे कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है। अभी हमने क्या बताया कि जीरो से जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो आपकी धनात्मक होती हैं, तो अब बाकी संख्याएं क्या बची, जीरो से कम, जीरो हमने पहले ही ले लिया, जीरो क्या है, दीवाल की तरह, ठीक है, जीरो के इस तरह,
मतलब जीरो से बड़े क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, और जीरो से जो छोटी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जो आपके जीरो से कम हैं वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी ऋण की संख्याएं कहलाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। मान लो आपके पास कोई भी चॉकलेट नहीं थी, ठीक, फिर आपने क्या करा, एक किसी से ले ली, ठीक। तो जब हम किसी से लेते हैं ना बच्चा, तो क्या हो जाता है, आप उसके ऋणी हो जाते हो, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि जब हमने किसी से कोई चीज ले ली और हमें वापस करना है तो हम क्या कह सकते हैं, हम उसके ऋणी हो गए। तो वो किस चिन्ह के साथ आएगी? वो आपके ऋण के चिन्ह के साथ आएगी। तो आपके पास कितना बैलेंस है, या क्या कह सकते हो कि आप -1 चॉकलेट आपके पास है, मतलब आपको वो 1 चॉकलेट दूसरे को देनी है। यहाँ तक समझ आया बच्चा? तो ये जो माइनस है वो आप उधारी की तरह भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास 40 की उधारी है, तो आप क्या कहोगे कि वो कितना नंबर है, -40 है। जब आपके पास कोई चीज होती है तो आप क्या करते हो, उसे प्लस में लिखते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 40 रुपए है, तो आप क्या लिखोगे कि आपके पास 40 रुपए। बच्चा आपको अनम्यूट नहीं करना अपने आप को, या तो हम 40 लिख सकते हैं या फिर हम +40 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 40 रुपए की उधारी है तो आप क्या करोगे, इसको -40 लिखोगे। इसका मतलब है ये 40 आपको दूसरे को देने हैं। यहाँ तक समझ आया बेटा? निगेटिव का क्या मतलब होता है, हम क्यों यूज करते हैं इसको, ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है इतने की कमी है आपके पास। जीरो का क्या मतलब होता है, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपको कुछ देना भी नहीं है, किसी की कमी भी नहीं है। लेकिन जब हम किस में जाते हैं, निगेटिव में जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास इतने होने चाहिए, इतने की कमी है। और जब हम यहाँ पर प्लस में जाते हैं तो इसका मतलब होता है हमारे पास इतनी चीजें हैं। ओके बच्चा, चलो अब हम आगे देखें तो हम जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं या ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसके सामने हम क्या लगाते हैं, ऋण का चिन्ह लगाते हैं, जो कि आपको क्या दर्शाता है, ऋणात्मक संख्या दर्शाता है, ठीक। तो संख्याएं बच्चा 3 तरह से लिखी जा सकती हैं, एक इस तरह से, दूसरी इस तरह से, और तीसरी इस तरह से। जो नीचे वाली संख्या है वो क्या बता रही है कि ऋणात्मक संख्या है, और ऊपर वाली दोनों संख्याएं क्या कह रही हैं कि ये आपकी धन की संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं। ओके, तो चाहे हम ऐसे लिखें चाहे हम ऐसे लिखें, ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हमने इनके सामने माइनस का चिन्ह लगा दिया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऋण की संख्या तभी हो सकती है जब उसके सामने ऋण लगा हो। ओके, जैसे यहाँ पर हमने देखा -5, यहाँ देखो ऋण का चिन्ह लगा है, यहाँ 14 तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह लगा है, यहाँ 30 है तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह लगा है, यहाँ -2, ठीक है, ये -11, यहाँ भी क्या है, ऋण का चिन्ह लगा है। इसका मतलब है कि ये सारी संख्याएं क्या दर्शा रही हैं कि ये सारी संख्या ऋणात्मक संख्या है, ठीक। अब यहां से आपने एक चीज देखी होगी कि हमने जीरो किसी में नहीं लिया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जीरो के सामने ना हम कुछ भी नहीं लगाते, प्लस भी नहीं लगाते, निगेटिव भी नहीं लगाते, ठीक है। जीरो वो दीवार है, वो वॉल है जिससे हम डिसाइड करते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि कौन सी धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है, ठीक है। तो हम जीरो को किसी में भी कंसीडर नहीं करते, किसी में भी नहीं लेते, ना ऋण की तरफ लेते हैं और ना ही धन की तरफ होता है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि जीरो ना ऋणात्मक संख्या होती है और ना ही धनात्मक संख्या होती है, ठीक है। वो आपका ये जरूर बताती है कि जीरो से ज्यादा होगा। अभी हमने क्या लिया कि जीरो से ज्यादा है तो धनात्मक है, जीरो से कम है तो ऋणात्मक है। तो जीरो तो किसी में नहीं आता, तो आप क्या कह सकते हो कि जीरो ना एक धनात्मक संख्या है और ना ही एक ऋणात्मक संख्या है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखें बच्चे, तो हम क्या पढ़ेंगे, आप पूर्णांक पढ़ेंगे। सबको पता चल गई संख्याएं बेसिकली 3 तरह से हो सकती हैं। एक आपकी क्या होती है, धनात्मक संख्या, दूसरा क्या होता है, जीरो, और तीसरा क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। धनात्मक जो हम गिनती में पढ़ते हैं वो भी धन,
जीरो का और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह बनाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूं, जब हम धनात्मक संख्याओं का, जीरो का और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह बनाते हैं तो इस संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। बच्चा आपको अनम्यूट नहीं करना है अपने आप को बेटा, अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो हम फिर आपको लेफ्ट कर देंगे मीटिंग से, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चे, वैसे तो हम चाहते हैं कि आप पढ़ो, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर हम म्यूट आपको लेफ्ट करवा देंगे मीटिंग से, ताकि दूसरे बच्चे आराम से पढ़ पाए। एक सेकेंड, ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो क्या बता रहे थे कि हम अगर हम धनात्मक संख्याओं को और जीरो को और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह लेते हैं, इनको एक साथ लेते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, इसका उदाहरण क्या ले सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये पूरा जो संग्रह है उसे हमने क्या नाम दिया है, पूर्णांक नाम दिया है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि पूर्ण संख्याओं में हम क्या करें, पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें। ठीक है, आपको पता है ना पूर्ण संख्याएं क्या होती थी, पूर्ण संख्याएं होती थी जीरो और इसके साथ क्या होता था, प्राकृतिक संख्याएं होती थी। प्राकृतिक संख्या सबको पता है क्या होती है, पॉजिटिव संख्याएं होती है। ठीक है, या कह लो धनात्मक संख्याएं होती है, तो जीरो ऑलरेडी हो गया। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हो गया धनात्मक संख्या है। अब हम इनमें ऋणात्मक और जोड़ दें तो सारी तरह की संख्याएं हो गई ना बच्चा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब हम इन सब को एक साथ लेंगे, इन सब का संग्रह लेंगे, तो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पूर्णांक। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई, जल्दी से बता दो बच्चे वरना मैं रिपीट कर दूंगी। जल्दी से बताएंगे बच्चे, यहां तक समझ गए, किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो अब हम इसे एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, कि अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को, शून्य को और प्राकृतिक संख्याओं को लें तो ये संग्रह आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया था कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम क्या जोड़ दें, ऋण वाली संख्या जोड़ दें। ठीक है, क्या कर दें, अगर हम पूर्ण संख्याओं में जो कि जीरो और एक दो तीन चार जो आपकी धन वाली संख्या रहती है वो होती है, उनमें हम ऋण संख्या जोड़ दें तो आपका क्या हो जाता है, तो वो पूर्णांक हो जाता है। या हम कैसे कह सकते, इसको भी दो भाग में तोड़ दो। दो भाग में तोड़ने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो और ऋण की संख्याएं जोड़ दें तब भी क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। हाँ पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे ये तो पढ़ लो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे कि पूर्णांकों को, जैसे नेचुरल नंबर होते थे ना बच्चा, प्राकृतिक संख्या, उनको हम एन से दिखाते थे, एन से दर्शाते थे। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, जिसको हम होल नंबर कहते थे, उसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। जर्मनी में या जर्मन जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको जेहलन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को जर्मनी में जेहलन कहते हैं, इसके वजह से पूर्ण संख्याओं को जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं इसलिए इसे एन से दर्शाते हैं, और होल नंबर को डब्ल्यू से दर्शाते हैं क्योंकि इन्हें होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। सेम पूर्णांक को जर्मनी में जेहलन कहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनके पूरे ग्रुप को, पूरे संग्रह को, पूरे समूह को जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि जेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सारे इसमें क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, ऋण की संख्याएं आ जाएंगी और जीरो आ जाएगा, और उसके बाद सारी के सारी आपकी पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, धन की संख्याएं आ जाएंगी। ओके बच्चा, चलो
यहाँ तक सबको समझ आ गया बच्चा? तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वही एग्जाम्पल दिया गया है कि हमने क्या लिया है, सारा संग्रह ले लिया, सारा समूह ले लिया। ये आपके नेगेटिव संख्याओं का समूह हो गया, ये जीरो हो गया, ये पॉजिटिव संख्याओं का समूह हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे को हमने झेलन नाम दिया है, या कह लो पूर्णांक नाम दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बता देते हैं हम। किसी भी संग्रह में, संग्रह का मतलब समझते हो ना, जिसमें एक से ज्यादा संख्या हो, अगर वहां पर सिर्फ प्राक ये वाली संख्या दी गई है, ठीक है, धन वाली संख्या दी गई है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। लेकिन अगर हम उस ग्रुप में क्या जोड़ दें, जीरो जोड़ दें, उस संग्रह में जीरो जोड़ दें, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, इस पूरे ग्रुप को हम पूर्ण संख्या नाम देंगे, ठीक है। और अगर हम इस ग्रुप में नेगेटिव नंबर भी जोड़ दें, ऋण की संख्याएं भी जोड़ दें, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे बच्चा, पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मैं पूछूं, जैसे बहुत सारी संख्याएं दी गई हो, यहाँ पे मान लो 10 संख्याएं दी गई है, -5, -4, 10, 0, 5, 3, ठीक है, ये सारी संख्याएं दी गई है किसी में, ठीक है, ये पूरा आपको एक संग्रह दिया गया है, और मैं पूछूं कि इस संग्रह को हम क्या नाम देंगे, आप मुझे जल्दी से बताओ, इस संग्रह को हम क्या नाम देंगे। आपको समझ आ रहा है कि अगर हमने यहाँ पर, हाँ ठीक है, इस तरह से संख्या ले रखी है, माइनस की भी ले रखी है, जीरो भी ले रखी है, दो यहाँ पर हमने पॉजिटिव भी ले रखी है, तो हम इसे क्या नाम देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, सबको पता है इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। वेरी गुड। जब भी, एक बात मेरी सब ध्यान से सुनेंगे, क्या बेटा सी क्यों कह रहे हो, ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो आपका क्या है कि जब भी आप क्या देखो, यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव संख्याएं, जब भी आप क्या देखेंगे, यहाँ ऋणात्मक संख्याएं देखेंगे, तो उस पूरे संग्रह को आप पूर्णांक ही कहेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन आपके पास सारे हैं, जैसे पूर्ण संख्या हुई, पूर्णांक हुआ, नेचुरल नंबर हुआ, तब भी आप क्या कहेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, अगर उसमें कहीं भी नेगेटिव नंबर है या फिर ऋण की संख्याएं है, तो वो पूर्णांक ही होगा, ना तो वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं और ना ही वो प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है। यहां तक समझ आया बच्चे? बच्चे आपको पूरे क्लास करना, बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। जल्दी से बताओ बच्चे, यहाँ तक कोई भी किसी को डाउट है, आप मैसेज करके जल्दी से बता दो, अगर कोई भी डाउट है तो बता दो, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, सब लोग सही आंसर करेंगे और सबको आंसर देना भी है, ठीक है। जिसको पता नहीं है आंसर कैसे देते हैं, नीचे सबसे नीचे बाएं में आप क्या देखोगे, तीन डॉट बनी होगी, उस पे दबा दो, ठीक है। आप जब उस पे दबाओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक स्क्रीन दिखेगी, उसके नीचे एक्टिविटी आ रही होगी या अभिक्रिया आ रही होगी, ठीक, उस पे जाओ, उस पे दबाओ तो आपको क्या दिखेगा, पोल दिखेगा, ठीक है। फिर पोल पे जाके ए बी सी डी आंसर्स दिखेंगे, वहां पर जाके आपको क्या करना है, वहां पर दबाना है, फिर आपको बोर्ड का ऑप्शन आएगा, वहां पे दबा देना, नीचे आपको एक दिखाई देगा ब्लू कलर का, नीले कलर का, उस पे दबाना है। एक सेकेंड, चलो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपको बाद में पोल मिलेगा ताकि आप गलती ना करो। क्या पूछा गया है, यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से पूछा गया है कौन सा एक पूर्णांक है, ध्यान से पढ़ना, आपको पूछा गया है कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, अपना आंसर सब लोग फिक्स करके रखेंगे, हम क्या करेंगे, जल्दी से पोल लॉन्च करेंगे, तो पोल में आपको आंसर देना है, कोई भी माइक ऑन करके कोई भी किसी तरीके से आंसर नहीं देगा, सिर्फ पोल में ही आंसर करना है। चलो जल्दी से पोल में आंसर कर देंगे बच्चा, पोल ऑन हो गया है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, सबको सही आंसर करना है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग सही आंसर करेंगे।
जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। ओके बच्चा, अभी भी बहुत कम लोगों ने आंसर करे हैं, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दें। थोड़ा सा टाइम हम और देंगे आपको। अगर नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे स्क्रीन पर देखोगे तीन बिंदी आ रही होंगी, वहां दबाओ। ठीक है, आप वहां पे दबाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक स्क्रीन दिखेगी जिसपे चार पांच ऑप्शन आ रहे होंगे। सबसे नीचे सर्कल, मतलब आपको गोला, त्रिभुज ऐसा कुछ दिख रहा होगा, नीचे अभिक्रिया लिखी होगी या फिर एक्टिविटी लिखी होगी, वहां दबाएंगे तो आपका क्या आएगा, आपका ऑप्शन आएगा वहां से किसका, पोल का। ठीक है, तो आप पोल पे दबाओगे तो वहां से आपको एबीसीडी ऑप्शन दिखेगा, जो सही हो उसको आपको क्या करना है, उसको दबाना है तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। चलो मैं 5 सेकंड और देती हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग बच्चा बहुत कम बोलिंग करते हो तो आप लोगों को सबको बोल करना है बच्चा, वरना फिर हम अगली बार नाम लेके आएंगे कि कौन कौन बच्चा बोल नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास ये सारे आंसर्स आते हैं आपके नेम के साथ। ठीक है, आप जिसने भी आंसर नहीं करा है वो आंसर कर दे। ओके, यहाँ पर हमें पूर्णांक पता करना था बच्चा। इस तरह की संख्याएं तो हमने आपको पढ़ाई ही नहीं है ना अभी तक। अभी तक हमने आपको क्या बताया, गिनती वाली संख्याएं, ठीक है, और जीरो, और यही गिनती वाली जो संख्याएं हैं इनके सामने माइनस का चिन्ह लगाओ। ठीक है, और तो हमने किसी तरह की संख्या नहीं बताई, तो सिर्फ इतनी ही संख्या तो पूर्णांकों में आती है ना, तो इस तरह की संख्या जिसको हम भिन्न कहते हैं ये आता है ना, इसको हम दशमलव कहते हैं ये भी संख्या नहीं आती है। यहाँ वाली जो संख्या है इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये भी हमने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ये भी नहीं आता है, सिर्फ आपका क्या आता है, या तो ये गिनती वाली संख्या है या फिर गिनती वाली संख्याओं के सामने ऋण का चिन्ह लगा हो और जीरो। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आंसर था कि आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह की संख्या हमने पढ़ी है पूर्णांकों में जिसे हम ऋण संख्या कहते हैं। ओके बच्चा, चलो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे वाला क्वेश्चन सब सही करेंगे। चलिए बच्चे, मैं ये ऑफ कर देता हूँ, आप अब मैसेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, पोल में आंसर देना है, वो भी सही सही आंसर करना है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्या है कि आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो संख्या को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, हम पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। आपको इसे थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है, पर सही आंसर देना। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या बताना है, ऐसी संख्या जो पूर्ण में भी आती है, पूर्णांक में भी आती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। जल्दी से आप आंसर कर दोगे यहाँ पे। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चे जल्दी में गलत भी कर रहे हो, आपको सोच समझ के करना है बच्चा। बच्चे वे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, आप लोग बहुत कम बोल करते हो, सबको ही आंसर करना है बच्चा। मैंने आपको बताया भी, नीचे जो तीन बिंदी आती है उसमें जाएंगे, उससे आपको एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा या फिर आप कह लो अभिक्रियाओं का अगर हिंदी में आता है, तो वहां जाओगे, सबसे ऊपर आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, वहां से जाके आपको क्या करना है, ए बी सी डी जो भी आंसर सही लगता है उसमें जाके आप दबा दोगे तो आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। चलो बच्चे, अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा। चलो मैं 6 सेकंड और दे रही हूँ, जिसने भी रिस्पांस नहीं करा बच्चा वो आंसर कर दो। 6, 5, 4, 3, 2
और एक। चलो बच्चे, अब जिसने आंसर नहीं करा है, जिसके पास पोल नहीं खुलता है, वो यहां भी आंसर दे सकता है। ओके okay. अब देखो यहाँ पर तीन चीजें लिखी हैं। पहला क्या लिखी है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तीसरा लिखा है पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? माइनस वन, जीरो, माइनस वाली भी ले लो यहाँ पे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया था, ऐसी संख्या पता करनी है जो पूर्ण संख्या में भी आती हो, पूर्णांक में भी आती हो, बट मतलब परंतु प्राकृतिक संख्याओं में ना आती हो, ठीक। तो ये देखो एक से तो सब में आ रही है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। क्या बचा? एक बेचारा जीरो ही तो बचा जो पूर्ण में भी आ रहा है और पूर्णांकों में भी आ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहा। तो आपका उत्तर डी होना चाहिए था। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये आंसर दिया। चलो, तो आपको इसका आंसर पता चल गया कि आंसर क्या है? डी, क्योंकि जीरो आपका क्या आता है? जीरो पूर्ण संख्याओं में भी आता है, पूर्णांक में भी आता है, लेकिन आपका कहीं भी वो आपकी किसमें नहीं आता? नेचुरल नंबर में नहीं आता या फिर प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप दोगे, बस एक सेकेंड। मान लो मैं थोड़ा क्वेश्चन बदल के देती, क्या क्वेश्चन देती आपको कि एक ऐसी संख्या आपको बतानी है जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। जल्दी से बताओ बच्चे, अपने हिसाब से कोई भी नंबर दे सकते हो आप, कोई भी नंबर दे सकते हो। ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्णांक संख्या भी होगी, प्राकृतिक संख्या भी होगी। नॉर्मल अगर हम इसे कहना चाहे, एक शब्द में कहना चाहे, नंबर के अलावा अगर हम शब्द में कहना चाहे तो क्या कहोगे? अगर हम इसका आंसर शब्द में दे, नंबर के अलावा शब्द में दे, तो जो थोड़ा सा सोचो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसका आंसर किसमें दे, संख्या की जगह पे शब्द में दे। अरे बच्चा, जीरो थोड़ी ना होगी, जीरो थोड़ी ना प्राकृतिक संख्या है। आपने जीरो क्यों जोड़ दिया इसमें? हाँ, एक से ज्यादा कह सकते हैं, वो एक से ज्यादा नहीं बच्चा, एक भी तो होती है ना, तो आप एक से अनंत तक कह सकते हो। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? एक से ज्यादा नहीं कह सकते बच्चे, एक से ज्यादा सो एक भी तो आएगा, हम उन्हें धनात्मक संख्या कह सकते हैं बच्चे, कह सकते हो ना, धनात्मक संख्या कह सकते हो, अनंत नहीं, धनात्मक संख्या कह सकते हैं। बच्चा ये वाली संख्या नहीं होगी, आप डिवाइड में कर रहे हो, दोनों में भाग भी नहीं जाएगा एक दूसरे का, ठीक है। अभी देखो हमने क्या देखा, यहाँ भी आपका क्या आ रहा था? हाँ, यहाँ भी एक से लेकर अनंत तक आ रहा था, यहाँ भी एक से लेकर अनंत तक आ रहा था, यहाँ भी एक से लेकर अनंत तक आ रहा था। तो ये सारी धनात्मक संख्याएं है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि सारी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होती है। ओके बच्चे, समझ गए ये वाली बात? कोई गलत तो नहीं करेगा आप? ये वाली बात समझना है आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे कौन सी संख्या चाहिए। ओके, चलो हम एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, उसका भी आंसर आपको पोल में ही देना। ओके बच्चे, ओके ओके, चलो मैं अब आपको मैसेज करना बंद कर रही हूँ, आपको आंसर देने हैं आप पोल में अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बच्चा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बैग दिया गया है, इसमें अलग अलग नंबर दिए गए हैं, आप नंबर ध्यान से देख लो।
फिर पूछा गया है सारी संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे। ठीक है, इनके संग्रह को हमें बताना है हम क्या कहेंगे। अब मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप सोच समझ के सही आंसर करेंगे। चलो बच्चों चलिए से पोल में आंसर कर देंगे। अभी हमने ऐसे से क्वेश्चन किया भी था पर आप तब भी बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं। चलो बच्चा बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे इस बात का। अपना हैंड रेज करो, इस क्वेश्चन को कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन समझाएगा। मैं इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन आपको ही दूंगी, आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने ये आंसर क्यों दिया। ठीक है, अभी हम पोल ऑन ऑफ करेंगे। जिसने भी नहीं दिया है मैं 5 सेकंड का आंसर वो दूंगी ऑप्शन। 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से बच्चे बताओ कौन इस क्वेश्चन को समझाएगा कि आपने जो आंसर दिया है वो क्यों दिया। पहले आप लोग चैट सेक्शन में अपने आंसर्स लिख सकते हो। अजय बेटे आप समझाओगे कि आपने जो आंसर दिया है वो क्यों दिया है। अजय अपना हैंड रेस करो, अजय की आईडी से जो बच्चा है। आप बताओगे, आप एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं अनम्यूट करके। बताओ आपने ये आंसर जो दिया है वो क्यों दिया है। बच्चा आपका वॉइस नहीं आ रहा सही से, कोई नहीं। मैम जी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ओके ओके, लेकिन बच्चे आपको जान के हैरानी होगी कि आंसर ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, हम संग्रह की बात कर रहे थे। संग्रह में क्या आता है, सारी बेटा म्यूट कर लो अब अपने आप को, सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या समझाया था कि जब पॉजिटिव अकेला नंबर होगा ना, प्लस वाली संख्याएं होंगी, तब वो प्राकृतिक संख्या भी होगी, तब वो आपकी पूर्णांक भी होंगी और तब वो आपकी पूर्ण संख्याएं भी होगी। लेकिन हम पूरे की बात कर रहे हैं ना बच्चा, यहाँ पर क्या है, जीरो भी है और माइनस भी है, तो माइनस वाली संख्याएं तो कभी भी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में आती ही नहीं है। तो ये पूरा संग्रह ना तो प्राकृतिक संख्या हो सकता है बच्चा, ना पूर्ण संख्या हो सकता है, सॉरी ये मैंने गलत क्रॉस लगा दिया। ठीक है, ना तो आपका पूर्ण संख्या हो सकता है ना प्राकृतिक संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋण की संख्याएं हैं, और जहां भी निगेटिव नंबर होते हैं बच्चे, जहां भी ऋण वाली संख्याएं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक ही हो सकते हैं। अब समझ आया, अब समझ आया आपका आंसर क्यों गलत था, जल्दी से बता दो समझ आ गया हो तो। चलो फिर हम एक आध ऐसे क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप गलत ना करो। यस, पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन को गलत किया है, तो हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप इसे गलत ना करें। चलो यहाँ पर देखेंगे, अगर हमने एक बैग ले रखा है, सेम क्वेश्चन करेंगे बैग वाला। यहाँ पर 5 है, 3 है, 2 है, 210 है, 520 है। अब आपको बताना है कि ये जो बैग है इसमें जो संख्याएं है वो किसका संग्रह है, प्राकृतिक संख्याओं का या फिर पूर्ण संख्याओं का या फिर पूर्णांक संख्याओं का।
या फिर सभी। अरे ज्यादा जल्दी मत करो, सभी। क्वेश्चन तो पूरा करने दो, आप पहले ही आंसर देने लगते हो, अब फिर गलत करोगे तुम लोग। सोचो सोचो, यहां पर धन की संख्या है, लेकिन क्या होगा इसका आंसर? सभी का मतलब समझ रहे हो ना, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक सब है इसमें। अभी मैं आपको समझाया, फिर भी आप लोग गलत करो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर हम धन की संख्या ले रहे हैं। अभी तो हमने आपको बताया कि धन की संख्या प्राकृतिक संख्याओं में भी आती है, पूर्ण संख्याओं में भी आती है, और पूर्णांक में भी आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, गगन उच्च, सब में आती है, समझ रहे हो? अगर धन की संख्याएं लेंगे बच्चे, तो आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा सभी, उपर्युक्त में से सभी, ठीक है? लेकिन अगर हमने यहाँ पर जीरो लिया होता, अब बताओ, अगर हमने इस पूरे बैग में जीरो ऐड कर दिया, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं इसमें और जोड़ देती हूँ एक और ऑप्शन, मतलब एक दो ऑप्शन और जोड़ती हूँ, फिर आपको बताना है, रुक जाओ। एक दो ऑप्शन और जोड़ने दो मुझे, फिर आप बताओगे कि कौन सा सही है। अब बताओ आंसर, अब इसमें से कौन सा सही है? अगर हमने इसमें जीरो भी जोड़ दिया, 0 5, और यहाँ पर 43 है, 210 है, 520 है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये जो संख्याएं हैं, इस संग्रह को हम क्या नाम देंगे? इस संग्रह को हम क्या कहेंगे? बच्चे जो आप लोग ई कह रहे हो, क्या जीरो प्राकृतिक संख्याओं में होता है? जीरो कभी भी प्राकृतिक संख्याओं में होता है क्या? तो आप ई आंसर क्यों दे रहे हो? वेरी गुड, अब समझ आया कि अगर हम जीरो की बात कर रहे हैं, अच्छा जीरो तो पूर्ण संख्याओं में भी होता है और पूर्णांक में भी होता है। इसके अलावा भले यहाँ पर और भी संख्या होती है, लेकिन जीरो तो दोनों में आता है ना, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है उनमें नहीं आता। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये जो संग्रह है वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकती है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ आया बच्चों? बच्चे म्यूट ही रखना है अपने आप को, आपको जल्दी से बता दो यहाँ तक कोई भी डाउट हो। लिखना क्या बच्चा? है जी, ये कॉपी में भी लिखना है जी। अच्छा हाँ बच्चा, ये सब आपको लिखना है, जहां आप गलती कर रहे हो वो तो पक्का ही लिखना है आपको। चलो अब होमवर्क ले लेंगे बच्चे, होमवर्क करके आएंगे कल। यहां तक हमने होमवर्क कर लिया था ना, अब हम तीसरा वाला जो होमवर्क है, इंटीजर्स का, पूर्णांकों का, जो प्रश्नावली है आपकी 3.1, वो करेंगे, ठीक है? ये आपको अगली क्लास में करके आना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके ग्रुप में आ जाएगा, वहां से कर सकते हो, या फिर आप, आपके पास जो वर्कबुक है उसमें, उससे कर सकते हो, ठीक है? आप सब क्या करेंगे, अपना जो वर्कबुक है वो ओपन करके रखेंगे, हम कैमरा ऑन कराने का